जय श्री राम। आज हमारे पास फिर से एक माइक्रोटेक का एक और सेट है हमारे पास आई हुई है बनने के लिए। सर प्रथम आप आगे के साइड से देखो तो 11-15 ये भी हो जाती है माइक्रोटेक का है। और इसमें प्रॉब्लम का बात करूं तो जैसे ही इसका सप्लाई ऑन की जा रही है इन्वर्टर का, उस टाइम में आपका जो मेंस यानी कि मतलब इन्वर्टर का एक रूल होता है कि आप जितने पार्ट में चाहोगे उतना ही पार्ट में आपको सप्लाई मिलेगी सिंगल वायर जो पीछे डाली जाती है उसकी सहायता से। लेकिन इस इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम है कि आपका मतलब लाइट कटते ही जितने भी सर्किट है आपकी सारी की सारी सर्किट में सप्लाई बनने लग रही है। वो आपके मीटर से लेकर के आपका जितना भी मोटर वगैरह फ्रिज वगैरह जो भी है सभी की सभी सर्किट में सप्लाई बनने लग रही है। तो आखिरकार क्या रीज़न हो सकता है? दूसरा चीज़ ये कि जैसे इसको चार्जिंग मतलब चार्जिंग नहीं भी दी जा रही है उस टाइम में भी कभी कभी इसका जो है मेंस सेंस करने लग रहा है, ऐसे मेंस में ऑटोमेटिक ही ट्रैक करने लग रहा है और आपका जो इसका फेज है आपका बराबर ब्लिंपिंग करने लग रहा है। हालांकि इन्वर्टर सेट वगैरह सब कुछ सही है। फिर से एक बार सुन लो, फिर से मैं प्रॉब्लम को दोहराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो मैं अभी प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो शायद आपको किसी भी यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढोगे तो फिर नहीं मिलेगी। अगर आप देख रहे हो तो पूरा वीडियो देख करके जाना जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ आनी ही आनी है, तो ये जब जानकारी मिलेगी तभी आप इस चीज़ का काम कर पाओगे, नहीं तो आप सर्किट में ढूंढते रह जाओगे कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि सर्किट आप ऊपर से चेक करोगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, लेकिन जैसे ही आपका लाइट मतलब मेन लाइन कटने के बाद जब इन्वर्टर का सप्लाई देते हो तो उस टाइम में आपका जितनी भी आपके घर में सर्किट बनी है सभी की सभी सर्किटों में लाइट जाने लगती है। आपका मतलब कितने इन्वर्टर में, ज़्यादातर इन्वर्टर में ये फंक्शन दी जाती है कि जितना आप सर्किट में चाहोगे उतना ही सर्किट में लाइट मिलेगी जो कि सिंगल वायर डाली जाती है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, जितना आपका घर में लोड है सारे के सारे घरों में लोड जाने लग रही है। तो आखिरकार क्या रीज़न हो सकता है जिसके कारण से आपकी टोटल घर की लोड जाने लग रही है? तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो पूरा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है, जिससे आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। अगर ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आई है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो देख लेते हो तो फिर आपको ये अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम अगर आएगी तो फिर आप मतलब इसको अच्छे से रिपेयर कर पाओगे, ताकि अगर आप सर्किट में ढूंढोगे तो फिर ढूंढते रह जाओगे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। और ये हमारे पास आई थी बनने के लिए, आज बहुत दूर से आई है बनने के लिए, तो सर्वप्रथम हम किट को इसमें से ओपन करेंगे। तो मेरे भाई मैंने अभी देखो कार्ड हमने इसमें से निकाल लिए हैं और कार्ड पूरी की पूरी फ्रेश नहीं हुए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई भी इसमें स्पार्किंग वगैरह कुछ नहीं है। फिर आप लोग बोलोगे कि भाई साहब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण से इस तरह की समस्या आती है। सो मेरे भाई मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रॉब्लम होती है आपका ज़्यादातर बैटरी की कमी से होता है। और दूसरा चीज़ कि आपकी अगर लाइट ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी यानी कि जब स्टेबलाइज़र आप लगाए हो ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी तो फिर इस तरह की समस्या आ सकती है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अपने बोर्ड सर्किट बोर्ड में देखोगे तो फिर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग मतलब शौक करके ये मेन आईसी चेंज कर दोगे, फिर आपका LM335 चेंज कर दोगे, उसके बाद में 139 चेंज कर लोगे, कोई मतलब आपको रिस्पॉन्स इसमें नहीं मिलने वाली है। सो मेरे भाई मेरे बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये जो आपके मेन रिले लगी रहती है ये आपका ब्लू रेड वाली, उसके नीचे आप देखोगे तो एक 12 वोल्ट की सिंगल ट्रैकर वाली रिले लगी रहती है, ये आपका चार्जिंग पॉइंट का होता है। लेकिन ये जो होता है ओनली वन आपका मतलब एसी को डिवाइड करके अपने बोर्ड की तरफ और मेन लाइन की तरफ मतलब भेज देता है, उसका काम ये रिले करता है। तो ये रिले आप देखो तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास इस टाइप का रिले है, जैसे देखो तो 12 वोल्ट की ये डीसी रिले हो जाती है। तो मेरे भाई रिले पे आप लोग ध्यान देना, इसका 12 वोल्ट का ये डीसी रिले हो जाता है और ये रिले इसमें लगानी है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको कलर पे ध्यान नहीं देनी होगी, ये जो रिले लगी है ये वाली रिले और ये वाली रिले दोनों की दोनों रिले सेम होती है। आपका कनेक्शन पीछे के साइड से भी देखोगे तो सेम होगा, बस आपको ये वाली रिले चेंज कर लेनी होगी, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से इस रिले को हम चेंज कर लेते हैं। और मतलब कि अभी हम सेटअप पे तो इसको सेट करके नहीं दिखा सकते, ताकि अगर आप अदरवाइज ऐसे चेक करते हो तो फिर आपकी जो इसमें से अगर आप इसको ऐसे चेक करते हो तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व भी बताएगा, लेकिन जब इसको सिंगल वायर से कनेक्शन की जाएगी तभी आपकी समस्या दूर हो पाएगी। तो चलिए ना फटाफट से, इसका भी ट्रैकर ख़राब है, हम ट्रैकर को आसानी से चेंज कर लेते हैं। सो मेरे भाई देखो ये वाली रिले और ये वाली रिले दोनों की दोनों रिले सेम है। मैं इसके जगह पर ये हरे वाले को निकाल करके और इसके जगह पर ये वाली ब्लैक वाली रिले को हम इसमें लगाने वाले हैं, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम होगी आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको रिले इसके अंदर मतलब डाल करके और इसको रंगे से अच्छे तरह से पेस्ट का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा आपको नहीं करना होगा, ओनली वन रंगा से इसको देखो चिपका लेना होगा। देखो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि अगर आप रंगा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादातर बढ़ जाएगी, आपकी सर्किट फ्लक्चुएट करने लगेगी, आपकी भी इन्वर्टर से इस तरह की समस्या आती है कि आपका ऑटोमेटिक ही मेंस में सप्लाई चला जाता है। तो ओनली वन इस रिले को चेंज करो, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। सो फिर भाई मेरी छोटी सी मतलब राय आपको कैसी लगी, छोटी सी सुझाव आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।